हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, हाउ आर यू? हम जी बैठे हैं आईओबी, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ द बहावलपुर. बिल्कुल जो मेन ऑडिटोरियम है उसके साथ। सास जी बिल्कुल. और हमारा आज का टॉपिक क्या है? के यू नो व्हाट इज द यूनिवर्सिटी लाइफ? यस, व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन आईओबीएन? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस, कैन यू प्राउड यूर सेल्फ यू आर आईओबीएन? नहीं, आई कैन बी प्राउड ऑन माई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, नॉट आईओबी. नॉट आईओबी। वाई? बिकॉज योर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आईओबी. इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ आईओबी, बट इट नॉट लुक लाइक। ओ या, दैट्स ग्रेट आंसर, आई लाइक इट. हाँ, तो हम कब आए थे जी यूनिवर्सिटी में? आए थे जी 18 फेब 2019. यस, 2019 से 23 का हमारा बैच है, और फर्स्ट क्लास में जब हम बैठे थे तो हम ऐसे ही बैठे थे जैसे अब हम बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब चौथा साल है ऐसे ही बैठ रहे हैं हम. तो ये जनाब आके बैठे, टाई शाई लगाई हुई थी यूनिफॉर्म में, मैं भी यूनिफॉर्म में ही था, साहब ज़रा फर्स्ट डे था, तो मेरे पास तब टच वाला मोबाइल था और जनाब ने निकाला नोकिया 206. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कहा यार बंदा पता नहीं क्या है कि बंदा यूनिवर्सिटी में आया और नोकिया 206 के साथ आया. तो बस उस दिन के बाद से हमें पता नहीं चला हमारी कब दोस्ती हो गई और कब हम साथ खाने पीने लग गए, साथ घूमने फिरने लग गए, और अभी तक फिर हमने एक दूसरे की जान नहीं छोड़ी. हाँ, इसने बड़ी कोशिश की है जान छुड़ाने की, पर मैंने इसे जाने नहीं दिया. तो अब नेक्स्ट जो है वो जैन साहब बताएंगे. बात शुरू हुई थी नोकिया 206 से, हाँ तो नोकिया 206 आज भी मेरे पास ख़राब हुआ पड़ा है, तो मेरा दिल अक्सर करता है कि यार उसे सेट हाँ करवा इसमें लूँ। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरे पास फर्स्ट मोबाइल था ना टच का, वो भी मेरे पास पड़ा है ख़राब, वो टेलीनार तो वाला था टेलीनॉर क्या? वाला था. यस, पुरानी चीज़ों से यादें वाबस्ता होती हैं, तो बिल्कुल उनको बंदा फेंक नहीं सकता, मेन बात यही है। मेन बात यही है. बाकी जी, और आज भी हमें वो दिन याद है, 8 दिन डॉक्टर अजहर ने हमें ऑडिटोरियम बिठाई रखा हाँ एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर के, और उन्होंने हमें और ओरिएंटेशन दी थी, और वो चीज़ बहुत अच्छी थी जो हमें अभी तक फ़ायदा दे रही है, कि ओरिएंटेशन में जो बातें बताई थी यूनिवर्सिटी के बारे में, सीजीपीए के बारे में, पढ़ाई के बारे में, टीचर्स के बारे में, ईच एंड एवरी थिंग, स्कॉलरशिप ये वो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे साथ ना. आई थिंक हमारे ही बैच के बाद ओरिएंटेशन को एक आधी दफ़ा ही हुई है प्रॉपर, नहीं तो वो कोविड के वजह से ओरिएंटेशन हो ही नहीं सकी थी. और उस वक्त आईओबी का मेरिट भी बड़ा हाई हुआ करता था। हाँ, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम बहुत कम मार्क्स के साथ भी आईओबी में एडमिशन ले गए थे, वो भी एग्रीकल्चर में. लेकिन अगर हम इस वक्त एडमिशन लेना चाहें तो हम तो किसी भी हम डिपार्टमेंट में किसी भी ले सकते डिपार्टमेंट हैं, में ले सकते हैं. बस आने और देखा। और व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? और नेक्स्ट अपने पहले 2 साल के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस पहले 2 साल में मुझे एक जो सबसे पूरा वाकिया जो मेरे साथ हुआ था वो था मेरा वॉलेट गुम होना. हाँ, वो मैं साथ ही था। हाँ, डाइनर पे गए थे, हमने खाना खाना खाया था, और उस दिन मैंने अपनी सेमेस्टर की ड्यूज और हॉस्टल की ड्यूज निकाली थी शाम को, और वॉलेट में ही थी, और वॉलेट जो है वो 0 पॉइंट पे हम बैठे थे पॉइंट लेने के लिए, तो वायलेट जो है वो बाई चांस गिर गया या रह गया मुझे नहीं याद. हम पॉइंट लेके आए, सिटी पहुंच गया हॉस्टल, तो वहाँ पे जाके फिर हमें याद आया, चेक किया पॉइंट संभाला ये वो, कहीं नहीं मिला. फिर जिस बंदे ने उठाया था वो बड़ा ईमानदार था, पठान था वो अली हाल से, तो उसने फिर मुझे कोई 1 घंटे बाद कॉल की थी कि आपका वॉलेट मेरे पास है. तो नेक्स्ट डे मैं गया था, उसने निशानियाँ वगैरह पूछी थी, तो उसके बाद मुझे वॉलेट मिल गया था. अच्छा, वायलेट में तो सारे पैसे थे हाँ, वो वो सेमेस्टर सारे वाले? सारे सारे पैसे. वाह जी वाह। तो मैं कभी कभी तो सोचा था कोई लोकल बंदा होता तो आई थिंक वो कभी भी ना देता, तो यस, इसमें की मेहरबानी है, अल्लाह से खुश करके उसने ले दिया था वायलेट. ओके जी, अब के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में वीडियो मिलेंगे में आपके आपको साथ। मिलेंगे. ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़. हाफिज़।